Hello kids, good morning. Today I am going to teach you the concept of yes or no. आज मैं आपको yes और no के concept को सिखाने जा रही हूँ, ठीक है? हम हाँ या ना का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई हमसे कुछ question पूछता है, तो हमें उनका answer देना होता है. इसलिए हम yes यानी हाँ और no यानी नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं. तो मान लीजिए जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सिंपल तरीके से यानी यस और नो में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इज दिस अ बुक, क्या ये एक किताब है? तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? यस, ये एक किताब है. इज दिस अ इरेजर, क्या ये एक इरेजर है? बच्चों आप देख रहे हो ये पिक्चर बुक की है, इरेजर की नहीं है. तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? नो. इसी तरीके से इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? ये पिक्चर किसकी है? कैट की, यानी कि ये कुत्ता नहीं है. तो हम क्या आंसर देंगे? नो. एंड नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ कैट, क्या ये एक बिल्ली है? तो ये पिक्चर किसकी है? कैट की. तो हम आंसर क्या देंगे? यस. वाई ई एस, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ बैट, क्या ये एक बल्ला है? तो बच्चों ये पिक्चर किसकी है? बैट की. तो हम क्या आंसर देंगे? यस. वाई ई एस, यस. इज दैट अ बॉल, क्या ये गेंद है? तो अब हम आंसर क्या देंगे? नो, क्योंकि ये बैट है, बॉल नहीं है. इसलिए हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ मैंगो, क्या ये एक आम है? तो बच्चों ये किसकी पिक्चर है? एप्पल की. ये पिक्चर आम की नहीं है. तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नो, एन ओ नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस एन एप्पल, क्या ये एक सेब है? यस. वाई ई एस, यस. इज दिस अ पेन, क्या ये एक पेन है? यस. इज दिस अ इंकपॉट, क्या ये एक इंकपॉट है? नो, एन ओ नो. इज ही अ बॉय, क्या ये एक लड़का है? यस. वाई ई एस, यस. इज शी अ गर्ल, क्या ये एक लड़की है? नो, एन ओ नो. इज दिस अ कप, क्या ये कप है? नो, एन ओ नो. इज दैट अ प्लेट, क्या ये एक प्लेट है? यस. वाई ई एस, यस. इज दिस अ बैग, इज दिस अ बैग, क्या ये एक बैग है यानी बस्ता है? यस. वाई ई एस. इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है? नो, एन ओ नो. इज दिस अ टेबल, क्या ये एक टेबल है यानी मेज है? नो, एन ओ नो. इज दिस अ चेयर, क्या ये कुर्सी है? यस. वाई ई एस, यस.
Now, I hope you have understood the concept of yes or no. Goodbye.